नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, मैंने जो लहसुन पे वीडियो दिया था मिस्र का, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने क्या बताया। तो दोस्तों, मैंने जो बताया है कि जो लहसुन का जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जो अभी जो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि इंडिया का लहसुन का जो एक्सपोर्ट है वो खुल चुका है। लेकिन दोस्तों, लहसुन का एक्सपोर्ट तो ज़रूर खुल चुका है, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। आपको बिल्कुल मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाता हूँ कि जो चीन का लहसुन है और मिस्र का लहसुन है दोस्तों, वो इंडोनेशिया, अमेरिका, ताइवान, UAE और इन देशों को सप्लाई हो रहा है, और वो भी इंडिया की जो प्राइस हैं एक्सपोर्ट की प्राइस, उससे कम प्राइस में। यानी कि दोस्तों, भारत का जो है वो कंपटीशन बढ़ चुका है, जिसके कारण इंडिया के लहसुन के जो भाव हैं वो तेज़ी नहीं हो रही है। आपको सीधे सीधे अगर शब्दों में समझाऊं तो अन्य देशों के मुकाबले जो अपने भारत का जो लहसुन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी या गुणवत्ता वाला नहीं है, क्योंकि जो मिस्र का लहसुन है वो काफ़ी शानदार गुणवत्ता वाला है, और वो जो है शॉपिंग मॉल और अन्य जो सुपरमार्केट हैं उनमें बिकने के काबिल लहसुन, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लहसुन वहाँ का देखने को मिला है दोस्तों। और वो जो लहसुन है मिस्र का, वो सस्ती रेट पर अपने जो इंडिया का अगर मैं प्राइस बताऊं तो 5.5 से 6.5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक्सपोर्ट की प्राइस उसकी है। और चीन का अगर लहसुन बताऊं दोस्तों मैं, तो चीन के लहसुन हैं वो 4.5 हज़ार रुपये से लगा करके 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चीन का जो एक्सपोर्ट गार्लिक का रेट है वो अभी वर्तमान समय में है। यानी कि चीन और मिस्र में बहुत ही अच्छा उत्पादन लहसुन का है, और गुणवत्ता वाली क्वालिटी का लहसुन वो निर्यात कर रहे हैं। अब इंडिया पे आता हूँ दोस्तों, तो इंडिया के अंदर जो है अगर कोटा क्षेत्र की बात करें संभाग की, तो वहाँ पर 1 लाख हेक्टर में लहसुन का जो बुआई है वो की गई है, लेकिन उसमें से काफ़ी मात्रा में जो लहसुन है उतना जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का है, वह लहसुन नहीं आ रहा है मंडियों के अंदर। दूसरी बात है, हमारा जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का लहसुन है सबसे पहले किसान से मंडी के अंदर पहुंचता है, मंडी से फिर व्यापारी के पास पहुंचता है, वहाँ से व्यापारी उसको चटनी करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना करके जो एक्सपोर्ट व्यापारी हैं उनके पास तक पहुंचाते हैं, और जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको अच्छे से 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 और 40 किलो के कार्टून्स और छोटे छोटे बैग और जालियों में पैक करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अभी तक तो एक्सपोर्ट की कोई स्थिति सामने नहीं आई है दोस्तों। एक्सपोर्ट जरूर खुल चुका है, लेकिन थोड़ा कंपटीशन फंस रहा है। जिस प्रकार से प्याज में पिछली बार कंपटीशन फंसा था कि पाकिस्तान ने जो सस्ता प्याज है श्रीलंका और बांग्लादेश को उपलब्ध कराया था, तो उसकी वजह से इंडिया का प्याज दोस्तों एक्सपोर्ट होने से थोड़ा रुका था और प्याज के भाव नहीं बढ़े थे। तो ये स्थिति अभी भी वर्तमान समय में बनी हुई है, और बहुत सारे जो किसान हैं या जो कमेंट्स करने वाले दोस्तों हैं, तो बहुत ही अच्छा, मैं आपको मानता हूं कि आप जो कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे किसी भी प्रकार का कमेंट्स, हर प्रकार का कमेंट मुझे आपका अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो मुझे बढ़ावा देते हैं या आपने जो मेरा वीडियो देखा है आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में आप मेरे से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर दोस्तों लहसुन की तेज़ी मंदी की बात करें, तो अप्रैल महीने में ज़रूर कुछ क्वालिटियाँ मंडियों में जो आ रही हैं तो वो अच्छी सूखी क्वालिटी आने लग जाएगी। और अप्रैल और मई महीने की मैंने बात की है कि अप्रैल और मई महीने में थोड़ा एक्सपोर्ट एकदम से लेवल पे थोड़ा आ जाएगा। तो हालांकि अभी भी जो शिपिंग चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा रेट उसकी बढ़ी हुई है, मतलब माल जो ढुलाई का जो भाड़ा लगता है बीच में, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर जो ट्रकों या ट्रॉलरों में माल भर के पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग यानी कि जहाज के द्वारा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसका जो प्राइस है भाड़ा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। 2-3 साल से पिछले कोविड के समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे जो एक्सपोर्टर हैं उनको काफ़ी समस्या आ रही है, और उनके माल का जो भाड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है,
जिसके कारण गार्लिक का जो एक्सपोर्ट है वो अभी वर्तमान समय में प्रारंभ स्टार्ट नहीं हुआ है। ओपन जरूर हो चुका है, ओपन के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि गार्लिक का एक्सपोर्ट ओपन नहीं हुआ है, ओपन हो चुका है, लेकिन बाहर अभी माल पहुँचना स्टार्ट नहीं हुआ है। माल जब स्टार्ट हो जाएगा तो उससे संबंधित रिलेटेड वीडियो में भी आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी जो मेरे पास जितनी भी जानकारी है उससे संबंधित मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। अगर आपको सीधे सीधे समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।